आप सबका स्वागत है। बड़ी जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी, उसका कारण जो है वो आप सब जानते हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे जम्मू और कश्मीर की जनता पे इम्पोज की जा रही है, बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना किसी की राय लेकर के। मुझे लगता है कि जिस तरह का एक एटीट्यूड जो है वो बन चुका है कि पब्लिक पर हम लोग किस तरह से हर चीज को इम्पोज कर सकते हैं, चैम्बर ने हमेशा इन चीजों को अपोज किया है और आज भी हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज करते हैं। काफी दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करे, क्योंकि ये जो प्रेरोगेटिव है प्रॉपर्टी टैक्स, ये कॉरपोरेशन का है, ये म्यूनिसिपल कमेटीज का है, ये लोकल बॉडीज का है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन सभी को बाईपास करके एसआरओ निकाल करके और 1 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर की जनता पे ये टैक्स जो है इम्पोज करने की बात कही है, हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। जम्मू की जनता हमें पूछ रही थी कि हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे, लेकिन मेरी सोच जो है हमेशा यही रही है कि कोई भी बात हो वो टेबल पे होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई हमारी बातचीत हो, गवर्नमेंट जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करें और इसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो ढूंढा जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है भाई हमें ग्रांट नहीं मिल रही, अगर आपका फोकस जो है, आपका एम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। मैं सुन रहा हूं कि जिस तरह से बार बार एक रेपिटेशन हो रही है कि बड़ा मीगर टैक्स है और उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं बताई जा रही हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की गवर्नमेंटें जो चलती हैं वो बिजनेसमैन के टैक्स के साथ चलती हैं। जो जीएसटी कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है वो बिजनेसमैन के थ्रू मिलता है, और इनकम टैक्स जो पे करने वाले हैं वो बिजनेसमैन हैं। जो कमर्शियल बिजली के किराए देते हैं वो बिजनेसमैन हैं, जो कमर्शियल पानी के जो बिल देते हैं वो बिजनेसमैन हैं। यहां पर 8 जो डिपार्टमेंट हैं वो बिजनेसमैन की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हर साल उनको नई फीस जो है वो बिजनेसमैन देता है। हमें ये बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो है वो मीगर टैक्स जो है वो देने से पीछे हट रहा है, लेकिन अगर फैक्चुअल पोजीशन देखी जाए पिछले 15 दिन से कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कमर्शियल दायरे जो हैं उस पर किस तरह का टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। अगर इनकी सोच ये है कि यहां पर टैक्स जो है किसी को 200 पड़ेगा, किसी को 500 पड़ेगा, किसी को 1500 पड़ेगा, हमारे लोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप क्यों जो फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों से छुपा रहे हैं? हर बाजार जो है इस बात को लेकर के परेशान है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि जो बाजार की हमारी एसोसिएशंस की जो हमारी डिमांड होती है उसी में हम लोग आगे आते हैं, और आज की जो डिमांड है वो भी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है, हर बाजार की एसोसिएशन की डिमांड है कि हमारा जो है एक बार सिंबॉलिक बंद जो है वो रहना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर उसके बाद भी नहीं जागेगी तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, आने वाले दिनों में ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक बंद के लिए मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि सैटरडे को सभी जो है बाजार हमारे बंद रहेंगे, और सीधी बात सपोर्ट की बात जो आती है, मेरे साथ यहाँ पर युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, बाजार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स, अभी की हमने सभी को न्योता नहीं दिया, लेकिन ये है बड़ा क्लियर है कि हर तरफ जो है इस बंद की सपोर्ट है,
और बंद जो है वो इसलिए नहीं है कि हम लोग हैबिचुअल हैं बंद करने के, बंद है उन पॉलिसीज के खिलाफ। ये प्रेरोगेटिव जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, ये जो टैक्स जो है बेसिकली होना चाहिए था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इस टैक्स को इम्पोज करने की बात करती। लोकल बॉडीज जो हैं, कॉरपोरेशन, वहां पर मेयर साहब ने बड़े जोर के साथ कहा था कि जम्मू के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, तो आज कॉरपोरेशन चुप है। उसका कारण जो है आप लोग जो हैं उनसे लीजिए कि अभी क्यों चुप हैं। मैं हर तरह की डिबेट करने के लिए तैयार हूं, किसी भी वक्त मेरे साथ टेबल पर बैठ करके डिबेट करिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको आज तक आपने दुरुस्त कर दिया है। आज डिपार्टमेंट में किस तरह से नोटिस निकल रहे हैं, हमारी पब्लिक परेशान है। कभी छन्नी वाले प्लाट जो है उनकी नोटिस निकलते हैं, कभी इरिगेशन वाले निकालते हैं, कभी जीडीए वाले निकालते हैं, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट छोड़िए मुझे बताइए, कभी स्टेट वाले निकालते हैं। तो इस तरह के नोटिस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए निकाले जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और मैं आपसे वायदा करता हूं, फ्रूट देखिए, लीज डीड जो है, जो पिछले काफी देर से हम लोग 2 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लीज डीड जो है उनकी बढ़ाई जाए जिनकी लीज डीड खत्म हो गई है। मतलब वहां पर भी लोगों की इनकी नजर नहीं जा रही कि भाई हम किस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। खड के बारे में बताइए कि आज तक 2 साल से ये खड डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कहां खड है, कहां वाटर फ्लो है और कहां जो है ड्राई एरिया है। ये जो आज हमारी इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर किस वजह से नहीं आ रही, ये सर्कल ट्रेड की वजह से नहीं आ रही, इसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है। और नए टैक्स जो है उसे इम्पोज करने की बात जो है वो यहां पर बनी हुई है। मैं समझता हूं इन चीजों से गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारा कोई एडवाइजर जो है वो जम्मू का नहीं है, जिसके पास हम लोग जो है अपनी बात रख सके। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक एलजी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में टैक्स इम्पोज करने की बात कर रही है, जो प्रेरोगेटिव जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, पहले उनको करिए और उसके बाद इस टैक्स के बारे में विचार करिए। और ये अगर टैक्स यहां पर नहीं रुकेगा, हमारा स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये आज स्ट्रगल जो है, 24 घंटे का बंद जो है, ये स्ट्रगल का एक पार्ट है, ये एक सिंबॉलिक बंद है। लेकिन आने वाले समय में भी हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है हमारी जद्दोजहद जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हम रायपुर सभा के, वो भी अगर कोई बातचीत कहना चाहेंगे तो जरूर अपनी बात को रखें। धन्यवाद। बोलो बोलो बोलो। सारे पहला सारे मीडिया प्रेमी धन्यवाद है। गल स्पष्ट है जी, अस लोग हमेशा जम्मू शहर के कन्ने खड़ोते थे। अज अस चैंबर कन्ने, उन्हें कहा मुंडे कन्ने मुंडा मिलाइए, पूरी युवा राजपूत सभा एक बारी पूरे दमखम कन्ने इस जरा आते ना टैक्स, जरा टैक्स की मार जी जनता पर ला दी है, टैक्स का तरीका गलत है। जिया प्रधान साहब ने आख्या कि तुसें की हर एक चीज का टैक्स जी जम्मू की जनता दे दी है, लेकिन तुंदा तरीका गलत है। अगर तुसें टैक्स लैने तो इतने चुनिंदा सरकार होनी चाहिए, असैम्बली होनी चाहिए, बिल पास कराइए, इन्हें लोगों को टैक्स लाओ, निकी निकी सरिंजा लाइया, इन्हें खून नहीं चूसो है, एक बार बड़ा टीका लाओ, जहरा देने लोगों जम्मू के डोगरी की चित मारे लो। मैं एक गल आखना चाह कि अस लोग बड़े गै सदाए के लोग हाँ। अज अस मैं मुबारकबाद दिना अरुण होरें की जो तुम्हें अज 15 दिन के बाद स्टैप लिया, क्योंकि बर्दाश्त का मादा जिन्ना तुंदे कोल है इन्ना साढ़े कोल नहीं है। अस जिस दिन बेही जाके फिर उठ गए है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार कोल टाइम है। मैं पहले भी आख्या हा कि जेड़ा व्यापार मंडल जम्मू के बैठे दा जिंदे उपर पूरा शहर चला दा, कम से कम उन्हें पुछी दे लाओ कि तुंदे उपर टैक्स ला दें, क्या सरकार कोल एक चाहिए कापी नहीं पिलाने वास्ता नहीं है, राजभवन बुलाइए इन्दे विचार विमर्श कर। जेड़े लोग चुनिंदा कारपोरेटर जम्मू शहर से बैठे थे, अगर वो नहीं चाहते टैक्स, जम्मू की जनता नहीं चाहती है, तो फिर केड़े टैक्स साढ़े कोला वसूले जा रहे हैं। इन्नी गल आखदे होई अस शाना बसाना
व्यापार मंडल का कन्या खड़ोते दें। मैं एक बार दोबारा सारे जम्मू के डोगरे की इन गल जरूर रखना चाहूँ कि कले कले सारे का बारी बारी नंबर आई जाना है, सारे लोग कट्ठे हुई है इनका साथ दो। अज लोग शहर की गल करा दे, कल तुंदी चुल्ली पुरानी टैक्स लगी जाना है अगर तुम आवाज बुलंद नहीं की। मैं युवा राजपूत सभा का स्पष्ट क्लीयर है कि अस व्यापार मंडल कन्या खड़ोते दें, लेकिन अगर एल जी साहब कोई जम्मू के डोगरे के प्रति थोड़ा नया भी वक्त है सुनने का माता रखते हैं, क्योंकि एडवाइजर तो उन्हें जम्मू का कोई लाना नहीं है अगर अस उसी कोई गल सुनाई सच्चा, लेकिन 15 दिन का गली गली कुचे कुचे के टैक्स का शोर जरा मचदा है, सरकार पर कोई ध्यान नहीं है सुनने वाला इन्हीं सुनाने का। जो तरीका सरकार को सुनने का है उसे तरीका इन्हें सुनाया, अगर एक दिन के बंद करना है आवाज बुलंद होती है तो ठीक है, नहीं तो अगर लंबी हड़ताल चलनी पो जेले भी चैंबर का मैसेज आओ युवा राजपूत सभा खड़ोती नजर आओ। एक बार दोबारा मैं जम्मू के लोगों की हाथ जोड़िए यह बेनती करना चाहना कि सारे जिम्मेवार शहरी होने का, क्योंकि ना तो अह कोई दुकाना जबरदस्ती बंद करानी ना दे अपने अपने प्रति अपना बनिया अपने बच्चे का भविष्य दिखिया इस पर फैसला लाओ। इस बारी कट्ठे हुई है एक मैसेज दो सरकार की कि बगैर पूछे तो जबरदस्ती नहीं होनी देनी जम्मू के लोगों इनकी पूछिए जो भी काम होना चाहिए। मैं अज भी आखा जिम्मेवार शहरी होने के नाते सिविल सोसाइटियां चैंबर बार इनकी बिठाइया इन्हें पूछना चाहिए कि अगर इन्नी परेशान जम्मू की जनता है जम्मू के व्यापारी वर्ग है एक दुकान के बार 500 रुपया समान लेने जाना वा कुछ 2500 रुपया चलान पहले डर हों फिर टैक्स कैद चीजा देना, अगर साड़ी दुकाने के बार अं पार्किंग 100 रुपया पर्ची कटोई जी गड्डी लानी हो तो फिर केड़ी स्मार्ट सिटी। टोल टैक्स की गल ला लो, सारे लोग परेशान, रोड बने दे नहीं टैक्स पहले लगा दे, पहले सहूलत दो तो फिर टैक्स लो, साढ़े पैसे सहूलत नहीं चाहिए अं सरकार पहले सहूलत दे बाद जिन्ना टैक्स लाना अं मंजूर है, लेकिन गल उ कि इको साढ़ा मत है कि अस चैंबर के कन्नै खड़ोते दे सारे लोगों की अपील करने कि शनिवार सारे अपने अपने दुकाना बंद करिए तो चैंबर का समर्थन करो। जय हिंद, जय जम्मू, जय डुग्गर प्रदेश। अरुण जी, आपने कहा एक दिन के